अभी मैं क्लिनिक पर हूँ और ड्यूटी आवर में हूँ। अभी 4 बज रहे हैं और अभी 1-1.5 घंटे में मेरा ऑफिस टाइम ओवर होगा, तो फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। और आप सबको पता है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है हाजीपुर में, तो अभी मैं हाजीपुर में ही हूँ। और आज मैंने मूड बनाया है हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया घूमने का, तो यहाँ से फ्री होने के बाद में मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, और वहाँ चल के दिखाते हैं कि कौन कौन सा इंडस्ट्री है, कौन कौन से फैक्ट्री हैं, कैसा एरिया है, और ये सारी डिटेल आपको बताते हैं। ये मेरा मेन हब है जहाँ पे मैं रेगुलर बैठता हूँ। बाकी और भी बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं विजिट करता हूँ, लेकिन रेगुलर मैं यहीं पे बैठता हूँ। अगर कहीं दूसरे क्लिनिक से या किसी दूसरे डॉक्टर के पास से कॉल आता है तभी मैं उधर जाता हूँ, अदरवाइज सारा दिन मैं यहीं पे रहता हूँ। और जो टीबी के पेशेंट आते हैं मोस्टली ये यहाँ पे जो है डॉक्टर साहब जो हैं वो बच्चा के डॉक्टर हैं, तो बच्चा चाइल्ड पेशेंट ज़्यादा मिलता है यहाँ पर। तो क्लिनिक से निकलने के बाद अभी मैं हाईवे पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये पीछे से छपरा वाला रोड आ रहा है छपरा की तरफ से, और जो सीधा पटना की तरफ चला जाएगा। और ये ओवरब्रिज अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका सिर्फ वन लेन ही चल रहा है। मासवान चौक यही है, पासवान चौक। अभी मैं पासवान चौक पे पहुंच चुका हूं, और यहां से ये लेफ्ट लेकर ये टर्निंग है, ये जो कि सीधा ये देख सकते हैं ये गेट है, और ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एंट्री का गेट है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं और इधर साइड में भी बहुत सारे फैक्ट्रीज है, लेकिन हम लोग पहले इधर चलते हैं, इधर देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए मैं आ चुका हूँ हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, इसमें बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। ये आपके सामने जो दिख रही है ये भी फैक्ट्रीज है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉलोनी टाइप के बने हुए हैं। एक इधर रोड गया हुआ है, फिर एक इधर रोड गया हुआ है, इसके अंदर भी फैक्ट्रीज है, इसके अंदर भी फैक्ट्रीज है, और वो मेन रोड है उधर से आने का रास्ता है। अगर आप हाजीपुर मेन टाउन की तरफ से आएँगे तो पासवान चौक से लेफ्ट लेकर आपको अंदर आना पड़ेगा। चलिए आगे अभी देखते हैं कि क्या क्या फैक्ट्री सब है यहाँ पर। ये इंडस्ट्रियल एरिया मेन गेट से थोड़ा सा अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुधा का फैक्ट्री है, ये सामने में है। और मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा समोसे खाने आया हूँ, चूँकि क्लिनिक से निकलने के बाद डायरेक्ट मैं यहीं पर आ गया हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिला। और चूँकि बारिश भी हल्का हल्का हो रही है, तो इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी आ गया ताकि मैं एक बार विजिट कर लूँ और जल्दी से निकल जाऊं, क्योंकि अगर बारिश आ जाएगी तो मैं भीग जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पारस पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड का किस चीज़ का है यहाँ पर? ये सुधा है, ये हाँ। पारस है, ये लोहा का कारखाना है। अच्छा, ये वाला लोहा का कारखाना है ना। और क्या क्या बनता है यहाँ पर? यहाँ पर तो बहुत सारे फैक्ट्री होगा। बहुत है, उन्हें आटा तैयारी होता है। अच्छा, उधर आटा बनता है। अच्छा अच्छा, सोना बिस्कुट है, कांटी की फैक्ट्री है, आइसक्रीम का फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारा फैक्ट्री है ना, बिस्कुट वगैरह का भी है। अनमोल का शायद नया खुला है। अच्छा, उधर साइड में पड़ता है। अच्छा चलिए ठीक है, समोसा खाते हैं उसके बाद फिर विजिट करते हैं। बताइए अंकल जी, और क्या क्या है यहाँ पर, कौन चीज़ का फैक्ट्री है? और हाँ ठीक है ठीक है, दे दीजिए। जैसे इन्होंने बताया कि आगे कांटी का फैक्ट्री है, फिर आटा का है, इसमें लोहा बनता है, ये सामने आपको सुधा का है, उधर में मोमबत्ती बनता है, तो और वो मंदिर वाला जो दिख रहा है आपको मुर्गी का दाना, वहाँ पे ये आपको यहाँ पे मुर्गी का दाना बनता है। हाँ और बताइए क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पर मुर्गी का दाना बनता है, यहाँ कांटी फैक्ट्री है, यहाँ सोना बिस्कुट है। अच्छा, सोना बिस्कुट किधर है? इधर सामने दूतल्ला, यहाँ आइए। अच्छा अच्छा, वो जो दूतल्ला है जो है सोना बिस्कुट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़ा वाला जो है जी, ब्लू कलर का हाँ। ये सोना बिस्किट का है जी। आप जैसे कि देख सकते हैं कितना सारा ट्रक यहाँ पे लगा हुआ है सब आगे जो है, माल ढोने के लिए। अच्छा, पार्ले जी का है, पार्ले जी का इसी में है, पार्ले जी का थोड़ा सा आगे है। अच्छा 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 ठीक है। और ये बिस्कुट फैक्ट्री है, फिर कुरकुरा बनता है, ये सब
अनमोल का नया खुला है वो किधर है? सर उसमें है। अच्छा उधर उस वाले रोड में है? वो रोड में है, वो से जाइएगा ना। हाँ आपको वो रोड में मिलेगा, उस रोड से जाना पड़ेगा जी। अच्छा अगरबत्ती का है कि नहीं? अगरबत्ती का फैक्ट्री मालूम है। चलिए कोई बात नहीं, हम पता कर लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे भी थोड़ा घूम के आते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन सा फैक्ट्री है। हाँ हाँ बोलिए। ये अंकल जी यहाँ समोसा बनाते हैं, कितने साल से आप समोसा बना रहे हैं आप? हम सर साल भर से यहाँ रहते हैं। अच्छा। समोसा और जलेबी बनाते हैं सर। हाँ। और छोला भी बनाते हैं। अच्छा तो फैक्ट्री के सारे लोग यहीं पर आकर खाते हैं? सारे लोग, जैसे ट्रक वाले लोग नाश्ता करते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कोई और दूसरा आपके जैसे दुकान है आगे में या इधर में कि नहीं? सर दुकान है। अच्छा अच्छा, आगे भी दुकान है जी जी। मतलब अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब कोई परमानेंट दुकान यहाँ पे नहीं है, मतलब पक्का उक्का का, मतलब सब ऐसे ही रेडी पर रेडी का ही है? सरकारी चीज है, मोड़ जोड़ के सही दुकान किया है। सही बात, नहीं है अलाव नहीं है ना। हाँ तो यहाँ पे दुकान भी तो नहीं होगा ना पक्का, कोई मार्केट वगैरह भी इधर नहीं होगा? किसी को कोई सामान खरीदना होता होगा, जो लोग यहाँ काम करते हैं तो निकल के बाहर रोड पर जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए आगे से घूम कर आते हैं। ये सुधा का है, देख लीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए मैं ये आ चुका हूँ मेन रोड से। जब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एंट्री करेंगे तो उस रोड जो है सीधा आता है, तो उसके लास्ट में हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ लास्ट फैक्ट्री है और इधर पूरा फील्ड है, खाली फील्ड है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसके अंदर और भी फैक्ट्रीज लगे हैं, और इधर में तो इतना ही है, लेकिन और भी हम लोग उधर आगे की तरफ चलेंगे। और इसके अंदर बहुत सारे गली निकले हुए हैं, मोहल्ला टाइप का है, उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। तो चलिए देखते हैं उधर आगे। ये जो ट्रक जा रहा है इसके आगे एक ट्यूब का फैक्ट्री भी है, प्रिंटर्स भी है और पैकेजिंग फैक्ट्री पैकेजिंग भी है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, और ये अभी नया रोड अभी बन रहा है, इधर अभी डेवलप किया जा रहा है इंडस्ट्रियल एरिया को। अभी बहुत सारा ज़मीन जो है वो खाली पड़ा हुआ है, और इस जो खाली ज़मीन है इसमें भी आने वाले टाइम में फैक्ट्री बनेंगे, और इसी के अंदर एक छोटा सा कॉलोनी टाइप का भी बना हुआ है। आप जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैनेजर्स होंगे या जो सुपरवाइज़र होंगे, या हो सकता है कि फैक्ट्री के ऑनर का ही मकान होगा, लोग रहते होंगे या वर्कर रहते होंगे। ये देखिए ये नया रोड है, जो कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले इसमें मिट्टी डाला गया है, ये बलुआ मिट्टी डाला गया है। इधर भी फैक्ट्री है, आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, काफ़ी दूर में फैला हुआ है। और सामने आपको अपार्टमेंट्स भी दिख रहे हैं। ये तो ऐसा एरिया है जैसे कि दिन में भी इसमें लोग डर लगे, इस टाइप का है इधर। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे साइड में। ये आप देखिए राज फ्रेश मिल का ये फैक्ट्री है, देखिए कितना शानदार फैक्ट्री है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे इसमें देखिए नंदिता पोल्ट्री इंटीग्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड करता है, इधर भी कुछ फैक्ट्री है। इधर सामने भी आप देख सकते हैं, इधर भी फैक्ट्री है, इधर एक फैक्ट्री है जो कि बंद पड़ा हुआ है किसी कारण बंद होगा। इधर भी लाइन से जो है रोड के दोनों तरफ जो है सिर्फ फैक्ट्री ही फैक्ट्री है चारों तरफ, यहाँ से लेकर वहाँ तक। इस और इस गली के अंदर देखिए, इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्ट्रीज है। अभी चलते हैं तो देखते हैं कि आगे और कौन कौन सा फैक्ट्रीज है। राज प्रेस ये मेरे बैकग्राउंड में ये सारे फैक्ट्रीज हैं, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कितना बड़ा बड़ा प्लॉट है। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने भी एक फैक्ट्री आपको दिखाई दे रहा है, ये तो मुझे पता नहीं किस चीज़ का फैक्ट्री है, आगे चलते हैं तो पता करते हैं।
फिर देखते हैं। देखिए बहुत सारे ट्रक्स लगे हुए हैं लाइन से। ये एक कॉलेज भी है स्टूडेंट्स के लिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में कॉलेज है, और इधर भी बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। ये अनमोल इंडस्ट्रीज है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अनमोल इंडस्ट्रीज का फैक्ट्री है। बारिश तेज हो रही है इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा। अच्छा देखिए ये सामने जो है ये आपको कुरकुरे का फैक्ट्री है, और इधर में अनमोल इंडस्ट्रीज का है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी दूर में फैला हुआ है। और ये किस चीज़ का है ये सामने वाला? ये अच्छा ये फैक्ट्री बंद है अभी? अच्छा 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 हमरो बना दो। हाँ आपका तो आ ही गया है। और कुछ जानकारी देंगे यहाँ पर, मतलब किस किस चीज़ का फैक्ट्री है? अब ब्रिटेनिया का भी है? अच्छा अच्छा पीछे साइड में अनमोल है, आशीर्वाद का है। अच्छा अच्छा आशीर्वाद सरफ दूध है? अच्छा आशीर्वाद दूध। राज फ्रेश का भी मिला था पीछे में, सुधा का मिला था, आगे सरफ का भी है। अच्छा आगे सरफ का है। अच्छा ये फ्लिपकार्ट का भी शायद यहाँ वेयर हाउस बन रहा है कहीं? हाँ मैं यूट्यूब पर ही देखा था, कर दिया सब्सक्राइब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जानकारी देने के लिए। ये देखिए ये गोदरेज का ही सब्सिडी फैक्ट्री है, इसके अंदर मुर्गा का दाना तैयार किया जाता है। काफ़ी बड़ा फैक्ट्री है जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी जस्ट मैं उधर फ्रंट साइड से भी मैं गया था तो इसको घूम कर आया हूँ, चूँकि वहाँ पर अलाउ नहीं है कैमरा या फोटोग्राफी करना, वीडियो शूट करना, तो इसके वजह से मैं उधर से शूट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन ये मेन रोड जो है जो हाजीपुर से लेकर आपको उधर दलसिंह सराय दरभंगा की तरफ जाता है, इस रोड पे देखिए सामने की स्कूल भी है।